नोएडा पुलिस ने फ्रेंचाइजी और नौकरी देने पर 100 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला 100 करोड़ की ठगी करने वाली फरार मास्टरमाइंड राजेश कुमार की 70 साल की मां है और पुलिस ने सीमा देवी को गाजियाबाद से अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां भी कई कंपनियों में उसके साथ भागीदार है। वही पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सीमा देवी के पास से फर्जी दस्तावेज के अलावा कई निजी चैनल के फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। बता दें कि थाना फेस 3 में अवैध रूप से चल रही हाइपरमार्ट कंपनी के खिलाफ 8 लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया और 22 लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस को जांच में पता चला है कि ये सभी कंपनियां फर्जी है और लोगों को नौकरी और फ्रेंचाइजी देने पर ठगी करते थे। वहीं पुलिस ने इन ठगों के पास से सोने के बिस्किट, गहने, चांदी के सिक्के और कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। इसके अलावा 117 ATM, 71 पैन कार्ड, 9 आधार कार्ड, 19 वोटर आईडी कार्ड, 17 ड्राइविंग लाइसेंस और 23 अदद मोहरे सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि सोने के बिस्किट और गहनों का वजन 3.330 किलो, चांदी के सिक्कों का वजन 242 ग्राम, साथ ही 13,54,550 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है, जबकि 56 लाख रुपए खाते में बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है।